There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. Divyansh, let's have some yummy breakfast. Yes. Some masala omelette for mama and some bread omelette folded for Divyansh. Yes? No masala. Yes, that's also masala, but that is folded in the bread. As Divyansh likes it like that. Yes, Divyansh? It will be easy to grind. I'm putting a vegetable. Yes? Vegetables are good for health? Yeah. Yes? Okay. Have a bite. Yeah. Yummy? You like it? Yeah. The thumbs up. Yeah? Hey guys, welcome back to my channel. I hope आप सब बहुत ही अच्छे होंगे. और आज हम लोग सुबह सुबह क्या कर रहे हैं दिव्यांश? Bread omelette enjoy कर रहे हैं. So we are enjoying our yummy breakfast and a healthy breakfast bread omelette. Yeah. Yes. We are eating. Yeah. Yes, we are eating. दिव्यांश is also eating. Yeah. Yes. Okay guys, so देखते हैं आज का दिन कैसे हम लोग बिताएंगे. Yes. चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद. Bye guys. Bye guys. See you. So guys, यहाँ पे मैं आ गई हूँ चिकन को मैरिनेट करने के लिए. तो यहाँ पे चिकन मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बिरयानी मसाला लिया था. बिरयानी मसाला यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 2 tablespoons इसमें ऐड कर दिया है. और 1 चम्मच यहाँ पे गरम मसाला पाउडर और यहाँ पे ये मैं अपना होममेड जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसका मैंने 1.5 tablespoons ऐड कर दिया है. और यहाँ पे 3 बड़े चम्मच योगर्ट यानी कि दही, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ. और इसमें अब मैं बारीक कटे हुए मिंट लीव्स और बारीक कटे हुए कोरिएंडर लीव्स भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है. और साथ ही में यहाँ पे मैं स्लिट ग्रीन चिल्ली यहाँ पे मैंने लिए थे, 2 से 3 ग्रीन चिल्ली स्लिट कर लिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है. इसे अभी हम लोग मैरिनेट होने के लिए मिक्स करके रख देंगे. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मैं अभी हम लोग चिकन, मैं बेसिकली चिकन बिरयानी इस तरह से बनाती हूँ. तो इसमें मैंने पहले यहाँ पे ये देखिए खूब सारे खड़े गर्म मसाले, थोड़ा सा मैंने घी गर्म कर लिया था, उसमें खूब सारे खड़े गर्म मसाले ऐड कर दिए हैं. और यहाँ पे खूब सारे मैंने अनियंस लिए थे, तो एक बड़ा साइज़ का अनियन मैंने यहाँ पे लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी. और इसे अभी हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे. तो यहाँ देखिए अनियंस को यहाँ पे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी. जैसे ही मेरे अनियंस अच्छे गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं, इसमें से थोड़े से मैं निकाल के रख लूँगी. तो हम लोग ऊपर से जब इसे सेट करेंगे तब वो इसमें ऐड करेंगे. और थोड़े से अनियंस मैंने कढ़ाई में ही छोड़ दिए हैं. यहाँ पे देखिए ये मेरा मैरिनेट किया हुआ चिकन, इसे मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया था. और अभी इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इस चिकन को अभी हम लोग अच्छे से भून लेंगे. तो इसे भून के थोड़ा सा कवर करके मैं कुक कर लूँगी. यहाँ देखिए मेरा राइस भी रेडी हो गया. तो राइस में भी मैंने थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा ऑयल भी ऐड किया था और साथ में थोड़े से खड़े गरम मसाले राइस में भी मैंने ऐड कर दिए थे. 70-80% जैसे ही वो कुक हो गया था उसे मैंने यहाँ पे छान के रख लिया है. यहाँ देखिए ये मैं बना रही हूँ रायता, जो कि बिरयानी के साथ हम लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, हमें बहुत अच्छी लगती है ये वाली रायता बिरयानी के साथ. तो इसके लिए यहाँ पर मैंने खूब सारे कर्ड लिया था. कर्ड में मैंने यहाँ पर खूब सारा ककम्बर और थोड़ा से कैरेट्स और थोड़े से अनियंस यहाँ पे बारीक काटे हुए, साथ में थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स और 1 स्लिट ग्रीन चिली इसमें ऐड कर दिया है. इसे भी हम लोग बेसिकली अच्छे से मिक्स कर लेंगे. और इसको अगर आपको थोड़ा सा कोई वाटरी कंसिस्टेंसी का रायता पसंद करते हैं तो आप उस तरह से भी थोड़ा सा वाटर भी ऐड कर सकते हैं. मैं भी इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी. यहाँ पर थोड़ा सा देखिए मैंने जो रोस्टेड जीरा पाउडर है वो भी मैंने ऐड कर दिया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है रायते का. देखिए इसे मैंने मिक्स करके थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे मैंने रख लिया था. तो ये हमारा रायता भी बन के रेडी हो गया है. तो ये देखिए रायता भी बन के रेडी हो गया है.
और यहाँ पे देखिए ये चिकन भी ऑलमोस्ट मेरा कुक हो गया है। तो चिकन को मैंने ऑलमोस्ट 80% कुक कर लिया था। तो यहाँ पे जो मैंने राइस बना के रख लिया था, राइस को ज़्यादा मत कुक कीजिएगा, 70-80% राइस कुक होना चाहिए, ज़्यादा कुक हो जाएगा तो फिर बहुत ही सॉगी हो जाते हैं चावल। तो यहाँ पे देखिए 70-80% कुक हो गया था, तो इसे मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है ऊपर से, थोड़े से मिंट लीव्स, थोड़े से कोरिएंडर लीव्स गार्निश कर लिए हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे जो ये मैंने अनियंस लिए थे जो कि थोड़ा सा मैंने फ्राई करके निकाल लिए थे। तो आपके पास बरिस्ता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं इस तरह से अनियंस को फ्राई करके ऊपर से ऐड कर लेती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फूड कलर लिया था, उसमें 1 से 2 चम्मच यहाँ पे मैंने मिल्क देकर उसे भिगो लिया था और ऐड करके इसे मैंने सेट कर दिया है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा घी भी मैंने ऊपर से ऐड कर दिया है, और इसे अब मैं 10 मिनट्स के लिए कुक होने के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ देखिए ये मेरा बिरयानी एकदम बन के रेडी हो गया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी बना था। गाइस ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बिरयानी की रेसिपी को। तो अभी हो गया है शाम का वक्त, तो आज मदर्स डे है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो ये मैं कॉर्नफ्लोर कुकीज़ बना रही हूँ, उसके लिए मैंने 1 कप यहाँ पे ऑयल ले लिया था, उसमें मैंने 1/2 कप यहाँ पे शुगर ऐड कर दिया है, और इसे अभी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इसको इस तरह से अच्छे से आप मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये मैंने 1 कप कॉर्नफ्लोर का आटा लिया था, कॉर्नफ्लोर यानी कि जो कॉर्न स्टार्च है वो नहीं, कॉर्नफ्लोर मैं बोल रही हूँ, कॉर्नफ्लोर यहाँ पे मैंने 1 कप लिया था, और साथ में 1/2 कप यहाँ पे मैंने वीट फ्लार लिया था। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने वनीला एसेंस होता है वो उसमें मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है, और साथ ही में यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे 1 टेबलस्पून करीब बेकिंग पाउडर है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अभी हम लोग इसे अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे। तो ये कुकीज़ मैं बना रही हूँ तो इसे ज़्यादा मतलब मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हमें क्रम्बली टेक्सचर देना होता है। तो यहाँ पे ये देखिए इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा सा मुझे ये ड्राई लग रहा है तो मैं इसमें यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून करीब मिल्क भी ऐड किया है इसमें। तो देखिए इसको आप अच्छे से ऐसे मिक्स कर लीजिएगा पहले, उसके बाद ही आप देखिएगा इसको कितना मिल्क आपको चाहिए उस हिसाब से आप ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे करीब 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने मिल्क ऐड कर दिया है, और इसे मैं फिर से अच्छे से ऐसे मिक्स कर लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से इसे आप मिक्स कर लीजिएगा। तो इसको ऐसे ही क्रम्बली टेक्सचर देना होता है, आप इसको ज़्यादा वाटरी कंसिस्टेंसी या ज़्यादा सॉगी मत कीजिएगा, इस तरह से आप इसको क्रम्बली टेक्सचर दे सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये मैंने एक बेकिंग शीट रेडी कर लिया था, और अभी मैं इसको इस आटे को जो ये हमने कुकी का आटा डो बनाया था इसे अभी हम लोग अच्छे से थोड़ा सा एक बार हाथों से मिक्स कर लेंगे, तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे इसे मैं ऐसे फ्लैट शेप में, आप चाहें तो कुछ भी शेप दे सकते हैं, मैं इस तरह से आज ये सर्कल शेप दे के इसे थोड़ा सा चारों तरफ से ऐसे प्रेस करते हुए एक कुकी का शेप दे दे रही हूँ। तो यहाँ देखिए ये मेरी कुकीज़ को इस तरह से मैंने रोल करके यहाँ पर रख लिया था। तो इसको आप अच्छे से ऐसे प्रेस करके ये कुकीज़ तैयार कीजिएगा, नहीं तो फिर कुकीज़ फट जाएंगी। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रेस करके आप ऐसे बना सकते हैं, ये देखिए कुकीज़। और इसके ऊपर से थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक एक चॉकलेट चिप होता है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो थोड़ा देखने में भी सुंदर लगेगा। और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डिज़ाइन के लिए ऐसे नाइफ से इसको चारों तरफ से थोड़े से डिज़ाइन ऐसे बना दिए हैं ऐसे थोड़ा कट करते हुए, तो देखने में भी अच्छा लगेगा, प्रिटी लगेगा, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा इस तरह से देखने में चॉकलेट चिप के साथ। तो आप ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैंने ओवन गरम कर लिया था, ओवन को मैंने 370 फ़ारेनहाइट पे यहाँ पे मैंने इस कुकीज़ को बेक कर लिया था 15 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए मेरी यमी यमी कुकीज़ बन के एकदम रेडी हो गई है। व्हाट आर यू गाइस ईटिंग? व्हाट इज दिस? And crispy also? Yes. Yes? You guys like it? Yes. Give it a thumbs up. Yeah? Yes? So guys, please try kijiyega is recipe ko. Bahut hi zyada tasty bane hain, ekdam crispy. Hai na Divyansh? Enjoy!
Bye-bye. Look at Divyansh face. How's he enjoying? Look at him. Okay, bye-bye. Bye-bye. Enjoy. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Hey guys, welcome back to my channel. I hope आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, है ना दिव्यांश? Yes. और Happy Mother's Day. Happy Mother's Day to all of you, है ना दिव्यांश? Yes. Who's your mother? Where is your mother? This. I think this is the blogger. Yes. Mama is your mother. Yes. Today is Mother's Day. Yeah. What gift you wanna give Mama for Mother's Day? You wanna give a rose flower to Mama? Yes. Yes? Yes? Okay. And also Teacher Appreciation Week is there. This week is Teacher Appreciation Week. Yes? So we're gonna give something nice to your teacher, Miss Erica. Yes? You wanna give something nice to her also? Because this is Teacher Appreciation Week. Yes? So we are going for our shopping. We'll find something nice for your teacher also and for Mama also. Yes, Divyansh? Rose flower? We'll find rose. If you find rose, then we'll get a rose. Okay? Yes. Okay. You wanna say hi? Hi. Hey, Happy Mother's Day to all of you. Okay, guys. See you. Bye-bye, guys. Okay, guys. See you. Bye. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, riding the police car. Divyansh, what is it? Police car. Police car. Right? Yay. You enjoying, Divyansh? Yes. Ride, Divyansh, ride. Say hi. Yes, hi. Forget you. You're all I know, what I need, and I ain't. Get this yummy pizza. Who's gonna eat? Annie, eat Annie. Yes, Annie. Divyansh, so know, excited. Yes. To eat the pizza, Divyansh. Yes. Come on, grab. These are black olives and tomatoes. Tomatoes! Yes, it'll taste yummy. Have it, it's a veggie pizza. Yummy? Yeah. Okay, enjoy. Bye bye. Thank you, Mama. What is this for? Rose flower. For whom? For you. For Mama? But why did you give rose flower? Today is? Today is Happy Mother's Day! Who's your mother? You! Yeah? Yes! Thank
Yes. And mama loves rose flower. Yes. Yes. Nice and pretty like my Divya. Yes. Okay. Then say bye bye guys. Bye bye guys. Bye guys. Bye guys. And a happy Mother's Day. And a happy Mother's Day. To all of you. To all of you. Yes. Your phone is also flower. Yes, all flower and flower. Yes. Say happy Mother's Day to all of you. Hope you will enjoy this day with your mothers. Yeah, with all the beautiful yes. and lovely mothers out there in this world, yes. in this universe. Yes. और गाइज अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को खूब सारा लाइक कीजिए. यस लाइक दिव्यांश के लिए खूब सारा लाइक कीजिए. जी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मिलती हूँ आपको एक और अच्छे से ब्लॉग में. सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस. बाय बाय. टेक केयर. टेक केयर. बाय बाय. वॉइस नॉट स्लीपिंग.